मेघनाद रामायण का एक ऐसा पात्र था जिसे स्वयं वाल्मीकि जी ने सबसे शक्तिशाली योद्धा बताया है। वह रावण का पुत्र था और इंद्रदेव को परास्त करने के कारण ब्रह्मा जी ने उसे इंद्रजीत नाम दिया था। रामायण युद्ध में रावण की ओर से केवल वही एक ऐसा योद्धा था जिसके पास ब्रह्मास्त्र, पाशुपतास्त्र और वैष्णव अस्त्र थे और जो दो बार विजयी होकर लौटा था। यह तो सभी जानते हैं कि मेघनाद के जन्म के समय रावण ने सभी ग्रहों और नक्षत्रों को बंदी बनाकर उन्हें उनके उच्चतम स्थान में रहने का आदेश दिया था जिससे उसका पुत्र शक्तिशाली पैदा हो, किंतु आखिरी समय में शनिदेव 11वें से 12वें घर में प्रवेश कर गए जो अंत में मेघनाद की मृत्यु का कारण भी बना। किंतु मेघनाद की मृत्यु लगभग असंभव थी क्योंकि उसे ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त था कि जब भी वह कुलदेवी निकुंभला का तांत्रिक यज्ञ करेगा तब उसे एक दिव्य रथ प्राप्त होगा और जब तक वह उस रथ पर रहेगा तब तक कोई भी उसका वध नहीं कर पाएगा और उसका वध केवल वही मनुष्य कर पाएगा जिसने 12 वर्षों से सोए बिना कठोर ब्रह्मचर्य और तपश्चर्या का पालन किया हो।